जी नमस्कार, मैं एमसीडी से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्कैटर नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। आप इस वीडियो के अंदर हम जो बातें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। काफी दिन से मेरे पास बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, हमने 12th पास कर लिए है, हमें नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो नर्सिंग में एडमिशन किस प्रकार लें, 12th के बाद हम जीएनएम को चुने या बीएससी को चुने। ठीक है, बहुत सारे चीजों के अंदर बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको एक सही गाइडेंस के रूप में इस वीडियो के माध्यम से सही गाइडेंस देना चाहता हूं, ताकि आपको जो आने वाले समय में जो चीजें हैं वो फेस नहीं करने पड़े। जब आप गवर्नमेंट नौकरी लगते हो, जब आप गवर्नमेंट का पेपर फॉर्म भरते हो, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों पहले हमारा नीट का रिजल्ट आया था, तो काफी बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आए थे, तो मैं उनकी भी जो सलाह है मैंने आपको बताया था, तो उसी रिगार्डिंग हम कुछ यहाँ पे बातें करने वाले हैं। चलिए बने रहिएगा, अंत तक देखेंगे वीडियो को, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज कि काफी बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है, और उनके पास क्या है बच्चों, पीसीबी है। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जिन्होंने पीसीबी ली है, 12th पास कर ली है, अब उनको क्या करना है बच्चों, अब उनको नर्सिंग में एडमिशन लेना है। क्या करना है कि सर नर्सिंग में एडमिशन लेना है। अब नर्सिंग के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, नर्सिंग के अंदर दो चीजें होती हैं। जब भी आप नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको दो चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, या मतलब कि दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबसे पहली चीज एक तो होती है बच्चों जीएनएम, मतलब कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एक होती है बच्चों बीएससी, मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। ठीक है बच्चों, एक होती है बीएससी नर्सिंग होती है, और एक होती है जीएनएम नर्सिंग होती है। ठीक है, जीएनएम जो नर्सिंग होती है बच्चों, इसको कोई भी बंदा कर सकता है, जिसके पास पीसीबी है, जिसके पास आर्ट है, जिसके पास मैथ है 12th के अंदर, जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट दे रखी है उसने, या बायोलॉजी है, मैथ्स है, आर्ट है, कॉमर्स है, कोई भी बंदा इसको जीएनएम को कर सकता है। मतलब कि ये जनरल नर्सिंग होती है, स्पेशल नर्सिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। अब इसकी बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग को सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो 12th पास किससे है बच्चों, पीसीबी से है। मतलब इसमें स्पेशल लोग मिलते हैं, स्पेशल कैटेगरी के लोग मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, वही लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि जनरल नर्सिंग या जीएनएम के अंदर वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास आर्ट्स है, जिनके पास कॉमर्स है, जिनके पास मैथ्स है। आगे बात समझे, चले आगे की तरफ। ठीक है, अब जो जीएनएम नर्सिंग होती है बच्चों, वो कितने साल की होती है कि भैया, वो 3 साल की होती है, 3 ईयर्स की होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि 3 साल कि ये क्या होती है, जीएनएम नर्सिंग होती है। अगर मैं आपसे बीएससी की बात करूं, तो बीएससी नर्सिंग जो होती है वो 4 साल की होती है। कितने की होती है बच्चों, कि सर ये जीएनएम तो जो थी हमारी 3 साल की थी, और बीएससी जो है 4 साल की थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस, तो एक चीज तो आपको पता लग गई कि सर जीएनएम जो होती है 3 साल की होती है, बीएससी जो होती है 4 साल की होती है। जीएनएम की फीस क्या होती है, जीएनएम की शायद 50 से 60 हजार रुपए आपको फीस मिलती है पर ईयर। कितनी है बच्चों कि 50 to 60K, मतलब कि 50 से 60 हजार इसकी फीस होती है पर ईयर। ठीक है, और इसकी मैं आपसे बात करूं तो लगभग आपकी 80 से 85K पर ईयर होती है। ठीक है, तो 4 साल तक आपको ये पैसे देने होते हैं, ये 3 साल तक पैसे देने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि सर जीएनएम जो होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकती है, हिंदी में भी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब जो बीएससी नर्सिंग होती है बच्चों, वो ओनली इंग्लिश में होती है, इसमें हिंदी का कोई काम नहीं होता है। आगे बस अब बात आती है कि जब आपने, एक बंदे ने तो करी है नर्सिंग करी है, एक बंदे ने क्या करी है जनरल नर्सिंग करी है, और एक बंदे ने क्या करी है बच्चों, हाँ एक खास बात हो कि सर जीएनएम जो नर्सिंग होती है, ये क्या होता है, एक तरह का डिप्लोमा होता है।
ये एक तरह का डिप्लोमा होता है और एक तरह की ये क्या होती है, डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक खास बात का ये फर्क होता है कि आप क्या कहलाओगे जीएनएम करने के बाद, जिसके पास पीसीबी है वो गलती बिल्कुल ना करे जीएनएम करने की, ठीक है बच्चों। वो डिप्लोमा होता है और ये डिग्री होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप अपने 3 साल 4 साल इसके अंदर बिता लेते हो कि जिस बच्चे ने, एक बच्चे ने क्या करी है, किसे जीएनएम करी है और एक ने क्या करी है, ये दोनों ही एम्स का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्स क्या करता है कि जिसके पास बीएससी नर्सिंग है, जिसके पास जिसने बीएससी नर्सिंग करी है, उससे क्या करता है, डायरेक्ट फॉर्म भरवा लेता है। मतलब उससे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। लेकिन जिस भी बंदे ने क्या किया है, जेएनएम किया है, उससे 2 साल का, मतलब कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है 50 बेड का हॉस्पिटल का। हाई बस समझ में, कि आपने जीएनएम करने के बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। मतलब कि आपको जीएनएम करी आपने, 3 साल तो उसमें कपाए, फिर उसके बाद 2 साल आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो मैं हमेशा बच्चों से कहूंगा जो कैपेबल है, जिसके पास पीसीबी है, उसको हमेशा क्या करनी चाहिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग में ही एडमिशन लेना है। किसी भी तरह के किसी के धोखाधड़ी के अंदर ना आए, किसी के बहकावे के अंदर ना आए, क्योंकि आपको ये परेशानी 3 साल के बाद 4 साल के बाद फेस करनी पड़ सकती है। और जब आपकी उम्र उस टाइम पे नहीं होती है, आपको सख्त पैसों की जरूरत होती है, आपको सख्त नौकरी की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में, क्योंकि हम जब नौकरी हम जब अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं, जब कंपटीशन में घुसते हैं, तो हमें ये लगता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, क्योंकि माँ बाप के हम चाहते हैं कि माँ बाप से पैसा ना ले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जिसके पास पीसीबी है बच्चों, उसको क्या करना है कि सर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। क्या करना है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। जिसके पास जीएनएम, जो जीएनएम कर रहा है, जिसके पास जो जीएनएम करना चाहता है वो आर्ट वाला बंदा कर सकता है, जिसके पास पीसीबी है उसको तो बीएससी नर्सिंग ही करनी है। और क्या करना है, जिसके पास आर्ट है, जिसके पास मैथ्स है, या फिर जिसके पास कॉमर्स है, वो जीएनएम कर सकता है। आगे बस में, अब आपसे क्या मांगा जाता है कि या तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास पोस्ट बीएससी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी समझते हो। क्योंकि जीएनएम क्या होती है बच्चों, 3 साल का कोर्स होता है जीएनएम का, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट बीएससी करनी होती है। क्या करनी होती है कि सर पोस्ट बीएससी करनी होती है। क्या करनी होती है, पोस्ट बीएससी, पोस्ट बीएससी जो होती है वो 2 साल की होती है। या तो आपके पास 50 बेड का हॉस्पिटल का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने पोस्ट बीएससी करी हो। ये 2 साल की होती है बच्चों, और ये 3 साल की होती है। टोटल 5 साल आपको खपानी पड़ेगी। अगर कोई पीसीबी वाला बंदा जेएनएम में एडमिशन लेता है तो उसको 5 साल चाहिए होते हैं, बल्कि जबकि आपका काम 4 साल में ही हो सकता है बीएससी नर्सिंग करके। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि सर आप जेएनएम में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सही दिशा में चलें, अच्छा पढ़े, अच्छा सोचें, ठीक है। बाकी बातें, आपके जीवन में बहुत सारे टांग खींचने के लिए लोग होते हैं, तो आपकी जो टांग है आपको बचा के रखनी है बिल्कुल, और हमारे चैनल से जुड़े रहना है। अगली बात सुन में, अब मैं आपसे वो बातें करूंगा कि आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे ने क्या किया है, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे, कॉल आए थे कि सर हमने नीट का एग्जाम दिया था, हमारे 250 नंबर आए हैं। अब 250 नंबर से नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है क्या? मैं कहता हूं कि आपका नीट से नर्सिंग का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि नीट के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी, जैसे मैं राजस्थान से हूं, ठीक है, राजस्थान की बात मैं करता हूं, राजस्थान की मैं आपसे बात करता हूं। देखो अदर स्टेट का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे राजस्थान की बात करता हूं, क्योंकि सारे स्टेट एक पैटर्न पे फॉलो होते हैं। तो जो चीज मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगा वो अदर स्टेट के बारे में भी हो सकती है, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है RUHS। RUHS का मतलब होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है। ये क्या काम करती है कि ये इसके फॉर्म आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के। किसके आते हैं प्यारे बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं। और जब एंट्रेंस एग्जाम RUHS करवाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सर 11th एंड 12th की बेसिस पे एग्जाम करवाता है। मतलब कि
ट्वेल्थ और इलेवेंथ के ही क्वेश्चन आंसर्स को पूछता है, उन्हीं चीजों को बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो जब पूछेगा उस एग्जाम में आप बैठोगे तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। आप अब इसमें क्या होता है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट, इसमें दोनों तरह के जो कॉलेज हैं वो मिक्स होते हैं। आपकी रैंक अगर अच्छी आती है, आप अगर अच्छी रैंक में आते हो, कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। आपसे फिर क्या करी जाएगी, काउंसलिंग करवाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, आपके रिजल्ट के बाद कुछ दिनों के बाद आपको काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, काउंसलिंग भरनी होती है। काउंसलिंग के अंदर आपको सारे सारे कॉलेज जो है फिल करने पड़ते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं क्या करने पड़ते हैं, आपको फिल करने पड़ते हैं। और जब आप क्या करते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपनी रैंक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सारे गवर्नमेंट के जो क्या होते हैं कॉलेज होते हैं, सबको फिल करना होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट की एग्जाम को क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल करना है। सपोज आपके 10 कॉलेज आपने गवर्नमेंट के फिल कर दिए, उसके बाद आपका प्राइवेट का नंबर आता है। अगर आपकी रैंक बढ़िया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। और गवर्नमेंट से आप करोगे तो आपकी जो फीस होती है माफ हो जाती है, मतलब कि फ्री आप पढ़ सकते हो। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, 80 से 70 80 हजार रुपये, 90 हजार रुपये तक की फीस होती है, तो आपको वो 4 साल तक देनी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कुछ इसी प्रकार ही आपको करना है, 11th 12th को अच्छा पढ़े एंट्रेंस एग्जाम देने से। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर अदर अदर स्टेट की बात करें, सर एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, हिमाचल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो सब मेरे हिसाब से, मैं आपसे बात करूं तो मेरे हिसाब से जो बातें होंगी वो सबकी सेम होंगी। सबके अंदर कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको ये पता करना है अपने बेसिस के ऊपर कि सर कैसे तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से पैटर्न होता है, उसके ऊपर आपको अपने आप ढूंढना है अपनी स्टेट के अंदर। आगे बात समझ, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे, सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और यहां से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। किसी भी तरह का कोई कंडीशन आपकी अगर होती है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम आपकी चीजों का समाधान निकालें, ताकि आपकी चीजों का हल निकालें, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है महसूस ना करें, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।